रहा है। भीषण भूकंप के बाद से जिंदगी की तलाश लगातार जारी है। राहत और बचाव की युद्ध स्तर पर ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। कहारन महाराष्ट्र में एक बच्चे को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया, वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और वहीं माल्टिया के बेंडबासी से एक बच्ची को मलबे से सकुशल बाहर निकाला गया। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां बच्चों का रेस्क्यू करते हुए ये टीम आपको दिखाई दे रही है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि अब भी मलबे के नीचे दबे हैं और जिंदगी की तलाश में हर वक्त यह रेस्क्यू टीम। और इसी बीच रूस ने अपनी सेना की कई टीमें सीरिया में मदद के लिए भेज दी है। तुर्की की तरह सीरिया में भी भूकंप के बेहद तेज झटकों से भयंकर तबाही आई है, जिसके बाद पुतिन ने सीरिया की मदद के लिए तुरंत अपने सैनिकों को भेज दिया, जो सीरिया पहुंचते ही उन इलाकों में तैनात हो गए जहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। सामने आई एक तस्वीर में रूसी सैनिक मलबा हटाते दिखाई दिए ताकि उस मलबे के नीचे दबे लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों के बाद वहाँ एक दो नहीं बल्कि कई इमारतें और मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में हजारों लोगों के नीचे दबे होने की आशंका है, जिन्हें अगर बिना वक्त गवाए बाहर नहीं निकाला गया तो बहुत देर हो जाएगी। बाद में रूस ने इसी तरह की मदद की पेशकश तुर्की से भी की। मोदी सरकार ने हज पॉलिसी 2023 में कई बड़े बदलाव किए हैं। नए आदेश के मुताबिक इस बार हज यात्रा के लिए आवेदन फ्री होगा। हज यात्रियों को 50,000 तक की छूट मिलेगी। उधर हज यात्रियों को छाता, चादर और सूटकेस जैसे सामान का पैसा भी नहीं देना होगा। यात्री अपने हिसाब से सामान खरीद पाएंगे। हज यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए मोदी सरकार ने नई हज नीति में बड़े बदलाव कर दिए हैं। हज यात्रा के लिए अब फरवरी में आवेदन किया जा सकेगा। हज के लिए 50,000 रुपए अब कम खर्च करने होंगे पहले की तुलना में। बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं को प्राथमिकता हज में दी जाएगी। उधर 45 से ऊपर उम्र की महिलाएं अब अकेले यात्रा भी कर पाएंगी। यात्री अपने सामान के हिसाब अब अपने हिसाब से सामान को खरीद पाएंगे और सिर्फ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की जांच रिपोर्ट अब मान्य होगी। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में घमासान जारी है। सुबह 11 बजे बीजेपी आईटीओ स्थित आप मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी और उधर आम आदमी पार्टी विधायक और पार्षद बीजेपी मुख्यालय का आज घेराव करेंगे। तो ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन और बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आज दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, एक दूसरे का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और ये पूरी कवायद एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर की जा रही है। इधर दिल्ली नगर निगम मेयर और न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।